Hello class 1, welcome back in the English class. So today we are doing English literature. Okay, aaj hum English literature ka chapter number 1 padhenge, that is about my family. First of all, what do you mean by family? Family kya hoti hai? Family is your parivar, aapka parivar jinke saath aap rehte hain. ठीक है. और हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, आप सब क्या करेंगे, इस चैप्टर में इंट्रोड्यूस करवाएंगे अबाउट योर फैमिली. ओके, फैमिली में कौन कौन होता है. सबसे पहले तो यू आर द पर्सन इन द फैमिली, उसके बाद योर मदर, योर फादर, योर कजिन्स, योर सिबलिंग्स, मदर आपकी मम्मी, फादर योर पापा, कजिन्स आपके भाई बहन, चाचा चाची के बच्चे जो होते हैं, एंड उसके बाद आपका खुद का भाई, योर ग्रैंडफादर, दादाजी, दादी जी, चाची जी, बड़े पापा, ये सारे क्या होते हैं, हमारे फैमिली में प्रेजेंट होते हैं मेंबर्स. ठीक है. सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द फैमिली, कि फैमिली में उन लोगों को क्या बोलते हैं, एंड वी विल इंट्रोड्यूस टू योर सेल्फ, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएंगे ये सारी चीज़ें. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. So students, in the first slide, there is a girl. She is Radhika. वो Radhika है, छोटी सी बच्ची है, आप देख सकते हैं फोटो में. ठीक है. तो वो अपने पूरे फैमिली मेम्बर्स के बारे में, फैमिली मेम्बर्स कौन होते हैं, परिवार के सदस्यों के बारे में आपको बताएगी. ओके, सो फर्स्ट शी इज़ इंट्रोड्यूसिंग हर सेल्फ. उसका नाम क्या है, Radhika. ठीक है. जो नेक्स्ट फोटो है, सेकेंड नंबर, जो छोटा सा बेबी है, वो कौन है, उसका भाई, छोटा सा भाई आरव. ओके, सो स्टूडेंट्स इन द नेक्स्ट स्लाइड शी इज इंट्रोड्यूसिंग हर फादर. उसके फादर, फादर कौन होते हैं, पापा. ठीक है. सो उनके फादर का नाम क्या है, गगन, मिस्टर गगन. एंड वो क्या बता रही हैं कि उसके पापा कौन हैं, बिजनेसमैन, जो बहुत बड़ा बिजनेस करते हैं. नेक्स्ट हैं उनकी मम्मी, दैट इज हर मदर, राधिका की मदर. ओके, एंड उसकी मदर का क्या नाम है, मिसेस नैना. ओके, एंड शी इज़ अ होम मेकर. उसकी मम्मी का नाम क्या है, नैना. एंड वो पूरा घर संभालती हैं. ठीक है, घर को संभालती हैं, जो पूरा घर की तरफ लुकआउट करती हैं. ठीक है, जैसे हमारी मदर्स करती हैं वैसा ही सेम. सो स्टूडेंट्स इन द नेक्स्ट स्लाइड शी इज इंट्रोड्यूसिंग हर नेक्स्ट फैमिली मेम्बर्स, दैट आर ग्रैंड पेरेंट्स. ग्रैंड पेरेंट्स कौन होते हैं, दादा और दादी जी. सबके घर में हैं दादी जी और दादाजी, तो ये भी अपने, राधिका जो है आपको अपने दादाजी और दादी जी से मिलवाना चाहती है. ठीक है, तो फोटो में देख सकते हैं आप कि कौन है उनके दादाजी और दादी जी. ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है उनके अंकल एंड आंट. आपके घर में, सबके घर में चाचा जी, चाची जी, बड़े ताया जी, बड़ी ताई जी, सबके घर में हैं, तो वो भी अपने, उनको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, अंकल एंड आंट. ठीक है, तो वो उनके बारे में आप सबको बता रही हैं, तो आप देख सकते हैं उनकी फोटोज़. ओके, अभी नेक्स्ट आता है कजन्स. कजन्स कौन होते हैं, जो चाचा चाची के बच्चे होते हैं, ताया ताई के बच्चे होते हैं, सारे कजन्स जो होते हैं, जो हमारे नानी के घर में होते हैं, जो ददियाल साइड के होते हैं, ये सारे कजन्स जो होते हैं, वो अपने कजन्स के बारे में बता रही हैं. कितने कजन्स हैं उसके, राधिका के 5 कजन्स, आप गिन सकते हैं फोटो के अंदर. ठीक है, देयर आर 5 कजन्स. एंड लास्ट में वो क्या कह रही है, कि वो अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा प्यार करती है, एंड वो अपनी फैमिली से कोई भी बात होती है, अगर वो सैड होती है, हैप्पी होती है, तो वो सारी चीज़ें अपनी फैमिली से शेयर करती है. ठीक है, हमारे पास, सबके पास फैमिली है, तो हमें गॉड को थैंक यू करना चाहिए दैट हमारे पास इतने अच्छे मम्मी, पापा, दादा, दादी, भैया, सब जने हमारे पास हैं. ओके, सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच. So, class 1, it's the worksheet time. In the given worksheet, you have to write the difficult words, okay? So, first word is father. Aapko do bar likhna hai, her word, bol bol ke likhna hai, and you have to learn the spellings also. So, first word is father. Father matlab papa. Next is mother. Mother matlab mummy.
थर्ड वर्ड इज ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर इज दादाजी. फोर्थ वर्ड इज ग्रैंडमदर, ग्रैंडमदर मतलब दादी जी. फिफ्थ वर्ड इज अंकल, यू ऑल नो द अंकल, दैट इज चाचा जी या ताया जी. सिक्स्थ वर्ड इज आंट, आंट मतलब चाची जी या आपकी ताई जी. सेवेंथ वर्ड इज कजन, कजन मतलब आपके भाई बहन, ठीक है, जो चाची जी के लड़के होते हैं, ताया जी के लड़के होते हैं, मामा मामी के लड़के होते हैं, उनको कजन्स बोलते हैं. एट्थ इज ब्रदर, ब्रदर मतलब भाई. नाइन्थ इज होममेकर, जो हमारी मदर होती है होममेकर, जो पूरा घर संभालती है. टेंथ इज बिजनेसमैन, बिजनेसमैन जो हमारे फादर लोग बिजनेस चलाते हैं उनको क्या बोलते हैं, बिजनेसमैन. ओके चिल्ड्रन, सो स्टूडेंट्स इन दिस सेकेंड क्वेश्चन व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू टेल अस एंड राइट इट डाउन. आपको बताना है कि आपके फैमिली में कितने मेंबर्स हैं. हमने फैमिली मेंबर्स के बारे में पढ़ा है चैप्टर, तो आपको काउंट करना है और आपको बताना है, और उसके बाद आपको अपनी पूरी कंप्लीट फैमिली की फोटो आपको यहाँ पे जो स्पेस प्रोवाइडेड है वहाँ पर लगानी है. ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच.